This is your favorite, right? अब पहला इंग्रेडिएंट आप डालेंगे गुड़। जैसे ही गुड़ पिघलने लगेगा तो आपको फिर नारियल डालना है उसमें। अभी ये मेल्ट हो गया, हम लोग अभी ये डाल देते हैं अंदर नारियल। क्या होता है जब आप नारियल डाल देते हैं, थोड़ा पानी छोड़ता है नारियल, तो इसके लिए इसे पकाना पड़ता है कुछ 10 मिनट तक। जब नियरली हो जाता है तब आप कार्डमम और खसखस डाल देना इसमें। हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी कि इसका आटा बनाने के लिए। पहले 2 कप चावल का आटा, ये जो चावल का आटा है स्पेशली मोदक के लिए बनाया है, इसके लिए हमने अब हमको 1.25 कप पानी डालना है। तो इसको धीरे 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 आप डाल दीजिए इसमें, और इसको अभी आपको चम्मच से गूंदना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ही गर्म पानी है। तो देखिए अब ये हो गया है, गूंद लिया है हमने इसको। अभी हम रखेंगे 10 मिनट तक, कवर करके रखना है इसको। अभी इसे रख के 10 मिनट हो गए, 10 मिनट्स आर अप। तो ये मैं ऐसा तरीका यूज करती हूँ, आई यूज दिस वे टू मेक इट। सो यू कीप गोइंग इन सर्कल्स लाइक दिस एंड मेक अ कप लाइक थिंग। देन व्हाट आई डू इज आई पुट लिटिल पूरन इन इट एंड देन आई शट इट। I make it like this, okay? Then I take the dhacha. Just put a little bit of ghee in the dhacha so that it doesn't stick to the sides. Just squeeze it so that the print of the mold comes on to your modak, and then you open it gently. Your modak is ready. So we have modaks in here. And we are going to steam them. And this takes around 10 to 12 minutes. Okay, they're ready now. Oh yes. So, but they're hot. So oh my goodness. माधुरी मैम की ये मोदक रेसिपी एकदम सिंपल और ट्रेडिशनल है। जब मैंने इस मोदक का गणपति बप्पा को भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटा तो सबने बहुत तारीफ की। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, और हाँ कमेंट्स में गणपति बप्पा मौर्या लिखना मत भूलना।